ठीक है, मैं मॉल भी जाती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ। मैं हर अवार्ड फंक्शन देखने के बाद, वो हर सैटरडे संडे को होता था ना परिवार के साथ बैठ के अवार्ड फंक्शन देखो, वो देखने के बाद मैं वॉशरूम भागती थी। पहले तो मैं एक परफॉर्मेंस करती थी डांस शीशे के सामने, और फिर मैं एक अवार्ड लेती थी। वैसे तो तुम बड़े सोफिस्टिकेटेड जो, तुम बहुत घट बोलते हो, जिवें कि तुम दस्या चलो चलो अपने बेटे को घर से बाहर निकालो। ये कैसे पता आपको? आप मुझे पंजाबी सिखा देना। वैसे कितना वधिया लगता जदों कुड़ियां फट्टे चकदियां ने। क्यों? बिल्कुल, अज साडे नाल ओ स्टार एक्ट्रेस है जिन्होंने दंगल दे विच एदां दा पटाका पाया कि जी बस मेरा दिल कर रहा है मैं उनां दे नाल फोटोग्राफ लै लां, और नाल दे नाल उन्होंने बधाई भी कह दां वी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुहाडियां सारियां फिल्मां बहुत अप्रीशिएट कीतियां जा रही हैं, तुहाडे रोल बहुत पसंद किए जाते हैं, और हुण फोटोग्राफ दी टाइम। सो सान्या एक इदां दी कुड़ी है जो बहुत ज़्यादा बोलती है या बहुत घट बोलती है? बहुत ही कम बोलती हूँ मैं। वैसे तो तुम्हारे मुझे कितनी सुंदर लग रही है पंजाबी, तुम पंजाबी में बात करो मुझसे, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। मैं बहुत कम बोलती हूँ। okay. मैं जितना कम बोलूँ उतना ही अच्छा है मुझे लगता है मेरे लिए। ऐसा क्यों? नहीं, मैं शांत रहना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है मुझे आदत भी हो गई है क्योंकि मैं बॉम्बे में अकेली रहती हूँ, तो और जब भी मैं किसी रोल के लिए प्रेप कर रही होती तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम बोलूँ और ज़्यादा सोचूँ। जी राइट, वेरी गुड। ओके, सान्या एक इदा दी कुड़ी है जो बहुत ज़्यादा नॉटी है या फिर शांत? बचपन में काफ़ी नॉटी थी मैं, और काफ़ी ड्रामेबाज भी। मुझे लगता है वहीं से मेरा एक्टिंग का कीड़ा भी आया, पर अभी मैं काफ़ी शांत हूँ। क्योंकि तुम कह रहे हो बचपन से बहुत नॉटी सी, मैं तो कुट बहुत पई होनी है तुम्हें। नहीं यार, मैं ना बड़ी अच्छी एक्टर थी मुझे लगता है बचपन में, तो मैं तो कर लेती थी अपने ड्रामे, पर मेरी बहन को मार पीटती थी एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं ऐसी थी। ओके, बुरी बच्ची। अच्छा, बुरी बच्ची नहीं, तुहाडा जिहड़ा बुरे बच्चे वाला टैलेंट सीगा ओह हुण इन्ना ज़्यादा सारे पसंद करते हैं कि तुहाडे सारा जो भी तुसी फिल्मा करदे हो और करैक्टर्स तुसी करदे हो बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किए जाते हो, और नाल दे नाल ही मैनूं सब तो वधिया ये चीज़ लगती है कि जदों तुसी कहते तुसी बहुत घट बोलते हो, है ना, लेकिन स्क्रीन पर देख के सानूं इदां लगता नहीं है। पटाका फिल्म दे विच तुहाडी एक्टिंग, पटाका दा रोल तुहानूं मिलिया किवें? या मैं बधाइयों का शूट कर रही थी, और उस दौरान विशाल जी आके मुझसे मिले सेट पर, पर पहली बार मिले तो मैं अपने बधाइयों के लुक में थी, और मैं देख रही थी कि सर के मुंह पे ना निराशा सी है कि ये लड़की तो नहीं कर पाएगी छुटकी, पर मैं उस टाइम पे ऐसे स्टेज पे थी क्योंकि मेरी तीसरी फिल्म शूट कर रही थी मैं, और एज एन एक्टर मैं थी कि मुझे एक अलग रोल चाहिए जिसमें मैं कुछ हटके कर सकूँ, और मुझे लगता है बहुत ही सही टाइम पर मुझे पटाखा मिली। मैंने ऑडिशन दिया, और उस ऑडिशन में मैं अपने आप को प्रूव कर पाई कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स भी कर सकती हूँ जिससे मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। एंड मतलब कितने ऑडिशंस तुसी हुण तक दित्ते ने? मैं मुझे लगता है एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्रीन टेस्ट दो। दंगल के लिए तो बहुत ही बड़ा ऑडिशन चला, मतलब एक दो महीने तो हम लगे ही रहते ऑडिशन में, रेसलिंग करी, एक्टिंग करी, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उसके लिए, पर अभी स्क्रिप्ट सुनते हैं वो तो अलग ही ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे सब कुछ बदल गया, क्योंकि पहले लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, ऑडिशन देकर आते थे, वेट करना पड़ता था कि कॉल बैक आया नहीं आया, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पर एज एन एक्टर मुझे लगता है अगर आप स्क्रीन टेस्ट दें और ऑडिशन दें तो आपके माइंड में भी क्लियर हो जाता है कि आप ये कैरेक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट, सान्या सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लेती है? शॉपिंग में, सोने में, खाने में, बोलने में, या फिर डांस करने में? या मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, मैं मॉल भी जाती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, और मुझे लगता है मेरा ज़्यादा टाइम अगर मैं शॉपिंग करने निकलूँ तो शॉपिंग में ही निकलता। अब हम एक छोटा सा राउंड खेलने लगे हैं, उसमें है व्हेन आई मेट, ठीक है, जब आप पहली बार मिले आमिर खान। तब वो तो बापू जैसे लग रहे थे, तो वो आमिर खान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, तो हम देख के हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ 98 किलोस थे जब हम लोग मिले पहली बार उनसे, तो उस टाइम ऐसे देख के लगा तो ये तो आमिर खान जैसे लिखते ही नहीं है वैसा। अच्छा, वैसे वो वाकई में क्या हानिकारक बापू हैं? नहीं नहीं यार, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे। अपार शक्ति? अपार शक्ति उनसे पहले उनकी हंसी पहुंचती है, ठीक है, जब मैं पहली बार उनसे मिली तो पता नहीं कहीं 5 किलोमीटर दूर हंस रहे थे, और वो हंसते हंसते एंटर करे, वो भी दंगल के दौरान था, हम हरियाणवी का जब हमारा चल रहा था, जब हम सीख रहे थे तब मैं पहली बार उनसे मिली थी, मैंने बोला था कि भैया ये आदमी तो हर चीज़ पर जोक मारता है ऐसा। फातिमा? फातिमा से मिलते ही मुझे लगता है एक कनेक्शन सा था, दो हम सेम रोल के लिए कम्पीट कर रहे थे, पर हमने डे वन से एक दूसरे की हेल्प करी, और ऑडिशन में भी मुझे लगता था कि यार मेरा ना हो तो फातिमा का हो जाए, और फातिमा को लगता था कि उसका ना हो तो मेरा हो जाए। एंड राधिका? राधिका के साथ मुझे था कि ये लड़की तो मतलब
बड़ी बहन तो बन रही है, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, पर मैं बहुत क्लोज हूँ राधिका से, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे लगता है मेरे को उसके साथ काम करके, बहुत ही अच्छी एक्टर है, उसके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, पंजाबी फिल्मा तुसी वेख दो? मैंने ना एक देखी है, जट एंड जूलियट। हाँ अच्छा, और मतलब वैसे तो आपको पता है एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हूँ तो बॉलीवुड के बीच भी पंजाबियों का पूरा सिक्का बोल रहे हैं ना, तो कौन तो आपको पसंद है पंजाबी एक्ट्रेस विचो? मुझे लगता है अभी अपार शक्ति और उनका एक सरगुन का एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक वीडियो आ रहा है और मैंने तो देख लिया है, पर आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वो ताहिरा कश्यप ने डायरेक्ट करा है और अपार शक्ति की वाइफ आकृति ने उसका आर्ट डायरेक्शन किया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इनफैक्ट मुझे ये गाना उन्होंने 3 साल पहले सुनाया था और मेरे दिमाग से 3 साल तक वो नहीं निकला था और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस गाने के लिए। राइट, सानू भी बहुत वेट है ऑफकोर्स, उसके पीछे सरगुन मेहता है एंड अपार शक्ति दोनों कर रहे हैं। अच्छा, एक मैंने गल दसो कि हूँ तो पंजाबी फिल्मा भी बहुत हाई बजट पर बन रही ने एंड बहुत अच्छे कंटेंट, हेल्दी कंटेंट दे रही ने, सो जो थानू एक अच्छा ऑफर मिलता है सो यू विल डू? बिल्कुल, आप मुझे पंजाबी सिखा देना बस। मेरी गारंटी है, ठीक है, पक्का पक्का। राइट, क्योंकि तुसी हर पहले डांस टीचर सी, देन तुसी चले गए है ना, हुन डांस टीचर हो तो एक स्टेप तो बनता है ना छोटा जिहा। कुछ भी कर सकते हो, इसमें पंजाबी गाने में भी डांस कर सकते हो, इसमें आप कोई वेस्टर्न हिप हॉप में भी डांस कर सकते हो। नहीं, लेकिन वाकई दे विच मोरनी बन के तुसी मतलब सारे नु इतना ज्यादा डांस करवाया, सो ऑब्वियसली गल है पंजाबी कंटेंट और तुसी पंजाबी फैमिली दे हो यार, सो यू कैन डू। और एक 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 लास्ट टाइम एक ऐदा दा डायलॉग जड़ा तुसी कदी अपने दिमाग चो नहीं करदे और जदों तुसी नहीं बने सी स्टार नहीं बने सी उदों मतलब तुसी बोलदे रहंदे सी, क्योंकि हर कुड़ी मैनूं लगदा मिरर गर्ल हुंदी है ना, बचपन तो ही हुंदा कि मैं उहदे वर्गी लग रही हां, टीवी च किसे करैक्टर नूं देख के लगदा मैं तां इही हां, सो तुहाडा की सी? मैं ना मैंने जैसे कहा कि मैं काफ़ी ड्रामेबाज थी, मैं हर अवार्ड फंक्शन देखने के बाद, वो हर सैटरडे संडे को होता था ना परिवार के साथ बैठ के अवार्ड फंक्शन देखो, वो देखने के बाद मैं वॉशरूम भागती थी। पहले तो मैं एक परफॉर्मेंस करती थी डांस शीशे के सामने और फिर मैं एक अवार्ड लेती थी। ये मैंने काफ़ी टाइम तक करा है। राइट, वैसे तो तुसी बड़े सोफिस्टिकेटेड जी हो, तुसी बहुत घट बोलते हो जिवें कि तुसी दस्या, लेकिन फिर भी दंगल है ना। हाँ, और ना और दंगल वाली कुड़ी दा एक इंसीडेंट्स मैनू पता है, ये रियल लाइफ च भी कभी कभी वो कुड़ी बन जाते ने, चलो अपने बेटे को घर से बाहर निकालो, मैं सुनया सीगा तुसी एक एक बच्चे, ये कैसे पता आपको? तुसी होने दे बारे दस दियो फटाफट। अरे, मेरी बहन को किसी मेरी सोसाइटी में किसी लड़के ने कुछ बोल दिया था, मैं दिल्ली में जब थी तो मैं बहुत छोटी थी और मैं तुतलाती थी तब, तो मैं उसके घर चली गई थी और मैंने बेल बजा के बोला था, उसकी दादी ने खोला, मैंने अपने बेटे तो बाहर निकालो, फिर मेरी बहन तो तुत बोला है। तो ऐसा कुछ एकदम बड़ा एकदम बहुत ही अच्छा स्पीच देकर आई थी मैं उसके उसकी दादी और उसको। बहुत अच्छी गल है, मैंने लगता है कि आवाज़ तक नहीं रही कुड़ियों जितने कुछ गलत होता है। एंड अनुराग बासु की नेक्स्ट फ्लिक कर रहे हो तुसी? हाँ जी, और उसका शूट अभी चल रहा है, आदित्य रॉय कपूर के साथ मेरा स्टोरी है, उसमें राजकुमार राव है, फातिमा है, अभिषेक बच्चन है, पंकज त्रिपाठी हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे शूट पर। तुसी अच्छी अच्छी फिल्म कर रहे हो, बैक टू बैक सानू वेट है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।